स्वागत है सबका सादा माटा द सिंपल रेसिपी विथ देसी तड़का में। हमारी शेफ है मीरा। चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं एक बहुत ही चटपटी और हेल्दी रेसिपी, साबूदाना खिचड़ी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसे आप सबसे पहले देख पाए। तो इन्ग्रीडियंट्स स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे साबूदाना को भिगो के रखे हैं, यानी कि सागो को। और इसके बाद क्योंकि खिचड़ी बना रहे हैं तो दाल ले लिया है। यहाँ पे मैंने मूंग दाल लिया है। आलू यानी पोटैटो को हमने छोटे छोटे हिस्सों में स्लाइस कर लिया है। इसके बाद बीन्स ले लेते हैं। बीन्स को भी हमने छोटे छोटे हिस्सों में काट लिया है। टमाटर ले लिया है यहाँ पे। दोस्तों, सब्जियाँ आप अपने मुताबिक ले सकते हैं। थोड़े से मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर का भी इस्तेमाल किया है, इसको बारीक काट के रखा है। मिर्ची ले लेते हैं, आप जितना तीखा करना चाहे उस हिसाब से ग्रीन चिलीज का इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने जिंजर यानी अदरक को घिस लिया है, आप चाहे तो पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बे लीफ यहाँ पे ले ली है मैंने। और इसके बाद हम चले जाते हैं क्यूमिन पाउडर, और इसी के साथ हम ले लेंगे थोड़े क्यूमिन के दाने। और सबसे इम्पॉर्टेंट मसाले, नमक स्वाद अनुसार आप इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद ले लेते हैं हल्दी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लेंगे हम। और इसमें थोड़ी सी हम चीनी का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। और लास्ट में हम देंगे गरम मसाला, तो थोड़ा सा हम गरम मसाला का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो सब्जियां ली हैं इनको फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल हम ले लेंगे। और एकदम लास्ट में हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी घी की। तो लीजिए, इंग्रेडिएंट्स हो चुके हैं। अब इसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम पैन को बिठा देते हैं गरम होने के लिए। इसके बाद हम सबसे पहले दाल को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। दाल को मैंने गरम पैन में बिठा दिया है और देखिए कलर चेंज होने तक इसको करके हम अलग से रख देते हैं। इसी पैन में हम फिर से दे देते हैं थोड़ा सा ऑयल, और इसके बाद इस ऑयल में चला जाएगा क्यूमिन सीड्स और बे लीफ यानी कि जीरा और बे लीव्स। इसके बाद हम आलू दे देंगे। आलू को हमें थोड़ा फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा हम पका लेंगे आलू को। अब इसी के साथ हमारा चला जाएगा बीन्स। बीन्स को भी हम चला लेते हैं। थोड़ा सा ही ऑयल का इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। अब यहाँ पे मसाले दे देते हैं। पहले हमने हल्दी पाउडर दे दिया थोड़ा सा, और इसी के साथ हम दे देंगे थोड़ा सा नमक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अब इन सबको हम एक साथ चला लेंगे। दोस्तों, आप चाहे तो और भी कई सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। तो लीजिए, थोड़ा सा मैंने चला लिया। अब इसको पकने देते हैं और थोड़ी देर बाद इसमें दे देंगे ग्रीन चिलीज और हमारा अदरक और ये क्यूमिन पाउडर। तो लीजिए, मसाले फिर से पड़ गए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सारे हमारे जो सब्जियां हैं सब्जियों में मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से चला लेते हैं और इसको फ्राई कर लेंगे। तो अब इसके बाद हम दे देंगे टमाटर। दोस्तों, अच्छी तरह से सब्जियां पक जाए तो इसके बाद हम इसको टमाटर को देंगे। लीजिए, देखिए टमाटर काफ़ी मॉइस्ट हो चुका है हमारा ऑलरेडी। इस वक्त हम इसमें दे देंगे पानी। तो लीजिए, सब्जियों को पानी में हमने डुबा दिया और इसको हम उबाल आने देंगे। अब इसी वक्त हम दे देंगे रोस्टेड किया हुआ दाल। रोस्टेड किया हुआ दाल को एक साथ मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से और इसको उबलने देते हैं। और इस दाल को देने के बाद हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा जब तक दाल पूरी तरह से पक ना जाए। अब इसके बाद साबूदाना जो भिगाया हुआ था हमारा पहले से, उसका पानी निकाल के हम साबूदाना को इसमें दे देते हैं। दोस्तों, आप 3 से 4 घंटा तक साबूदाना भिगो के रख सकते हैं। शुगर हमने दे दिया, थोड़ा सा ही शुगर देना है यहाँ पे हमने। लीजिए, थोड़ा सा मैंने चला लिया, मिक्स कर लिया और अब अच्छी तरह से सब पक चुका है। इस वक्त हम कोरिएंडर लीव्स दे देते हैं। कोरिएंडर लीव्स यहाँ पे मैंने दे दिया है और इसके बाद कोरिएंडर लीव्स को भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और अब लगभग पक चुका है, यहाँ पे गरम मसाला दे देंगे और इसको बॉयल होने देंगे हम अच्छी तरह से। देखिए कितना गाढ़ा होता जा रहा है और ये
ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। और एकदम लास्ट में हम देंगे घी। घी को हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर देते हैं और मिक्स कर लेते हैं हमारे ये जो साबूदाना खिचड़ी है इसके साथ। लीजिए दोस्तों, देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है, एकदम फर्स्ट क्लास बन के तैयार हो गई हमारी साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, प्लेट कर लेते हैं। तो ये बढ़िया सी रेसिपी आप अपने घर में ज़रूर बनाइए और अपने फ्रेंड्स को फैमिलीज में ज़रूर शेयर कीजिए। हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपीज़ को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। थैंक यू, हैप्पी कुकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।